बागली जनपद शिक्षा केंद्र में विश्व दिव्यांग दिवस पर विकास खंड के शासकीय अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के की आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कमल यादव, श्रीमती सीमा यादव, BRCHL बर्मन उपस्थित रहे। दिव्यांगों की रंगोली, चित्रकला, गायन, नृत्य प्रतियोगिता के साथ 100 मीटर दौड़ और निम्बू रेस आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें 50 से ज्यादा चयनित बच्चों ने सहभागिता की। सभी सहभागी बच्चों को लंच बॉक्स और पानी की बोतल देकर पुरस्कृत किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। शिक्षा अभियान समावेश शिक्षा के अंतर्गत आज विकास खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आज विकास खंड स्तर पर संपन्न हुई। यहाँ पर समस्त प्रकार के दिव्यांग बच्चे, अस्थिबाधित, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित, मानसिक बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया एवं इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह कार्यक्रम आज यहाँ पर जनपद स्तर पर संपन्न हुआ। सभी बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कृत भी किया गया, उनको इनाम दिए गए, प्रमाण पत्र वितरण किए गए, ताकि ये भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और आगे बढ़ सके। जब से हमारी ये समग्र शिक्षा अभियान समावेशी शिक्षा हमारे यहाँ लागू हुई है, इन बच्चों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। मैं प्रफुल्ल कुमार द्विवेदी, यमाती जनपद शिक्षा केंद्र बागली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।